मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक प्रेस वार्ता में बताया गया, पार्टी अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक सिंह पटेल, विधायक उत्तर प्रदेश व पार्टी की संयोजिका श्रीमती अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारत सरकार के निर्देश पर 28 नवंबर 2018 को होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे। देखिए कैमरामैन अमित के साथ साउथ सिद्दीकी की खबर, एसएस के लिए भोपाल से एक रिपोर्ट। उदर पटेल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना दल एस मध्य प्रदेश प्रभारी और मैं राजस्थान का प्रभारी भी हूँ, पश्चिम का भी प्रभारी और हमारी पार्टी यहाँ पर मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हमें मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी टीम है हमारी, पत्रकार भवन सामने हमारा ऑफिस खुला हुआ है, यहाँ पर रुके हुए काफ़ी दिन से, बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत उम्मीदवारों ने अपने बायोडाटा आपको दे दिए हैं, हम उनकी छट्टी करके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजिका श्रीमती अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री है उनको दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे, जो वो फाइनल करेंगे जितनी सीटों को लड़ाना चाहेंगे तब हम बता पाएंगे कि क्या स्थिति। या आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये किस सिलसिले में? हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो आपको ये बताना है कि हम यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पिछड़ों की आवाज़ बन करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मुद्दों पर हमारी पार्टी का विशेष फोकस रहेगा, किसानों के मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर और जो दबे कुचले हैं जिनके साथ अन्याय होता है भले वो किसी भी जाति में किसी भी धर्म में, हमारी पार्टी उनके हितों की लड़ाई लड़ेगी। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश,